नमस्कार दोस्तों, मैथिली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बढ़िया सी रेसिपी बनाऊंगी, बना के आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे चैनल पर जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे वीडियो को हमारा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहीं पर देखिए खेत में आए हुए हैं। तो हमने खेत में कुछ थोड़ा क्या क्या बोया हुआ है, इसमें देखिए ये गंवार का पौधा है, तो हमने देखिए दो चार पौधा है बोया हुआ है, तभी इसमें फल नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सूरन बोया हुआ है, आप सब देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। तो यहीं पे देखिए हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए क्या लगाया हुआ है, ये है बंडा। तो हम लोग इसे गांव में बंडा ही कहते हैं, इसे घुइया भी कहते हैं, तो हम लोग इसे बंडा कहते हैं। आज हम इसी की रेसिपी बनाऊँगी और बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। इसे पहले हम इसे देख कर खोद लेती हूँ, जो अच्छा पड़ा होगा, मोटा होगा, उसी को हम खोदूँगी। ये देखा, देखिए देख सकते हैं, देखिए कितना मोटा हुआ पड़ा हुआ है ये, और ये भी देखिए, और छोटे हैं, तो जो मोटा है हम उसी को खोदेंगे। पहले हम चारों तरफ से खुरपी के सहारे से इसकी मिट्टी को अलग कर लेती हूँ, मिट्टी को हटाकर इसे हम खोद लेती हूँ इस तरह से। इसे हमें बचा बचा कर खोदना पड़ता है, जिसका जो है इसका जो पानी है कपड़े में लग जाता है, बहुत बहुत दाग पड़ जाता है, बहुत ख़राब लगता है दाग इसे हम। तो आप सब देख सकते हैं, तो हमने मिट्टी को अलग कर लिया है, अब इसे हम उखाड़ लेते हैं। ये देखिए, तो बंडे को हमने उखाड़ लिया है, इसका जो मिट्टी है इस तरह से अलग कर देती हूँ, झाड़ देती हूँ खुरपी के सहारे से। तो बंडों को हमने खोद लिया है, इसे खेत से बाहर निकल लेकर आती हूँ। देखिए हम इसे देखिए खोद लिए हैं, तो बाहर लेकर आई हूँ खेत से। तो यहीं पे मैं इसका जो है पत्ती को काट कर अलग कर लेती हूँ। ये देखिए इसका पत्ता इस तरह से निकाल लेती हूँ। पत्ती को काट कर हमने अलग कर दिया है, इसका जो है देखिए इतना बड़ा मारा बंडा पड़ा हुआ है, इसकी पत्तियाँ इस तरह से काट देती हूँ। तो देखिए पत्तियाँ जो है हम फेंकेंगे नहीं, इसका जो है आप सब्जी बना सकते हैं, पकौड़ा भी बना सकते हैं। देखिए वो जो नरम नरम पत्तियाँ हैं, ये जो पुल्ली होती है इसका भी हम लोग बनाते हैं, इसका भी रेसिपी बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी। इसे दाल के संग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे हम रख देती हूँ। तो बंडों को मैं इस तरह से साफ कर लेती हूँ। तो यहीं पे पानी है, तो पानी से हम धोकर साफ कर लेते हैं, इसका जो मिट्टी है साफ हो जाएगा। तो बंडों को मैंने धोकर साफ कर लिया है, अब इसे हम लेकर चलते हैं घर पे बनाएंगे रेसिपी। बंडे को हम घर लेकर आ गए हैं, तो सबसे पहले इसका हम छिलका इस तरह से कच्चा कुछ सारे से छील लेती हूँ, साफ हो जाएगी। तो सभी छिलके को हमने साफ कर लिया है, अब सब देख सकते हैं। तो हम इसे काट लेते हैं। तो हमने ये अम्फरन लिया हुआ है, तो आम काटने वाला है, इससे काटने में आसानी होता है, तो हम इसे काटूंगी। ये देखिए हम ज़्यादा छोटा टुकड़ा नहीं काटेंगे इस तरह से। सभी बंडे को हमने काट के टुकड़े में कर लिया है, पानी ही पानी धोकर साफ कर लेती हूँ।
तो हमने बन्नी को धो लिया है, धोकर हमने डेगची में देखिए मिट्टी का लेप लगा लिया है, तो इसी में हम रख लेती हूँ। डेगची हमने रख दिया है, इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा पानी, आधा गिलास लगभग डालेंगे। उसे हम चूल्हे पर लेकर चलते हैं, रखते हैं, चूल्हे में आग जलाएंगे। चूल्हे में हमने आग को जला दिया है, जो हमने चूल्हे में आग को जला दिया है तो चूल्हे पर रख देते हैं डेगची। तो बंदे को हम उबलने देती हूँ। जब तक हमारा बंडा उबल रहा है, हमने प्याज और लहसुन लिया है, इसका छिलका उतार लेकर काट लेती हूँ, और मिर्चा है। तो प्याज लहसुन को हमने काट लिया है, तो हम देख लेती हैं हमारा बंडा उबला कि नहीं। तो बंडा हमारा अभी थोड़ा कम उबला है, अभी थोड़ी देर और उबालेंगे। तो हमने ये दो टमाटर लिया है, इसे धोकर साफ कर लिया है, इसे भी डाल देती हूँ, इसी में उबल जाएगा। तो जब तक हमारा बंडा उबल रहा है, तो हमने आटा लिया है, आटा को हम गूंथ लेती हूँ। इधर देखिए हमारा आटा तैयार हो चुका है, आटा को हमने गूंथ लिया है। तो आटा हमें ज़्यादा नरम नहीं गूंथना है, टाइट हमने गूंथा है, क्योंकि हम बनाएंगे बाटी। तो आटे को हम रख देते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारा बंडा उबल चुका है कि नहीं। देखिए दोस्तों, आप सब देख सकते हैं, तो बंडा हम देख लेती हूँ। देखिए बंडा हमारा अच्छे से उबल चुका है, इसे हम उतार देती हूँ। तो हम बंडे को थाली निकाल कर रख लेते हैं। तो बंडे को हम थाली में रख लिए हैं, तो हम कंछू सारे से, तो भी ज़्यादा गर्म है, तो कंछू सारे से इसे मसल देती हूँ। तो बंडे को हमने मैश कर लिया है, तो टमाटर है, इसे भी मैश कर लेती हूँ। इसका हमने छिलका निकाल लिया है, तो अभी गर्म है, तो कंछू सारे से इस तरह से फोड़ देती हूँ, पहले ठंडा हो जाएगा, हाथों से मसल देंगे अच्छे से। इधर हमने आग तैयार किया है, तो बाटी बना लेती हूँ। तो हम इधर से बाटी बनाए हैं, आग को हमने फैला दिया है, देखिए इस पर रख देते हैं। सर से बनाकर हम रखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो बाटी को हमने आग पर रख दिया है, सिक रहा है, तो हम चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई में डाल देती हूँ तेल। तब बंडे का हम चोखा बनाएंगे, इसको तड़का लगाएंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है, तेल गर्म हो चुका है, हम डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा। जीरा को हम चटनी में देते हैं। तो जीरा हमारा चटक चुका है, इसमें डाल देते हैं दो बड़ी कढ़ौरी हमने लिया है फोरके से। तो कढ़ौरी को अच्छे से भून लेती हूँ। तो कढ़ौरी हमारी भुन चुकी है, इसमें डाल देते हैं लहसुन हमारी कटा हुआ, मिर्चा और प्याज, जिसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा भूनेंगे। तड़का हमारा तैयार हो चुका है, तो हम प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का ही भूनेंगे हम। इसमें डाल देते हैं बंडा जो हमने मसल कर रखा हुआ है। तड़के में अच्छे से हम बंडे को इस तरह से मैश कर मिला लेती हूँ, बहुत बढ़िया से। देखिए तो आप लोग बंडे की सब्जी तो बहुत ही खाई होगी, इस तरह से एक बार चोखा बनाकर खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा।
हमने इस तरह से बनाया है, आप भी इस तरह से ज़रूर बना कर खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने बाटी के साथ बनाया है, आप चाहे रोटी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट इसका भरता जो है बनता है। अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, नमक को अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए हमारा चोखा तैयार हो चुका है, देखिए कितना अच्छा से बना हुआ है चोखा हमारा, बनकर तैयार हो चुका है। अब कढ़ाई को नीचे उतार लेती हूँ। तो इधर मैंने बाटी को आग से ढक दिया है, देख लेती हूँ, इसे एक बार पलट देती हूँ। फिर देखिए हमारा बाटी भी तैयार हो चुका है, तो हम परोस देती हूँ, आप सब परोस दिखा देती हूँ। ये चोखा हम परोस देती हूँ, तो देखिए हमारा चोखा कितना अच्छा से बना हुआ है। तो बाटी हमारी बहुत अच्छी बनी हुई है, देखिए कितनी अच्छी से हंस रही हैं ये। तो दोस्तों हमारा देखिए बंडे का चोखा और बाटी बनकर तैयार हो चुका है। तो आज की हमारी रेसिपी थी बंडे का चोखा और बाटी, तो हमने बाटी के साथ बनाया है, आप चाहे रोटी के साथ बना सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं, पराठा से भी खा सकते हैं, जिसे चाहे खा सकते हैं, एक बार इस तरह से बनाकर जरूर खाइएगा। तो आज की हमारी वीडियो था बंडे का चोखा और बाटी। तो आज हमारी वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।